Hello everyone, how are you all? Welcome back to Gurukul Fortuner's page. And today we are here with a new video. आपका तीन दिन में सिर्फ English का exam आने वाला है and आपके पास इतना material होगा available online कि आप हर जगह से cram करते रहोगे and you would still be confused that हमें course कैसे finish करना है. So in 3 days I'll tell you on how you are supposed to crack your English and still achieve 95%. So for day one, make sure that you're completing your entire NCERT with Flamingo and with Stars. And आप उसमें क्या क्या करोगे, आप उसमें स्टोरी लाइन, थीम, कैरेक्टर्स आप उसमें सब कवर करोगे. जब तक आपको किसी चीज की स्टोरी लाइन या थीम नहीं पता होगी, यू वोंट बी एबल टू आंसर मेनी ऑफ द क्वेश्चन. अनदर इज द फ्रेजल वर्ब्स, जो आपके न्यू वर्ड्स एंड न्यू मीनिंग्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए होते हैं, ट्राई कवरिंग दोज एंड ट्राई यूजिंग दोज इन योर आंसर्स. दैट इज योर मोटो फॉर डे वन. अनदर इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में एक्सट्रैक्ट आते हैं उनको प्रैक्टिस करो. मे बी यू कैन कंसिडर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मे बी द सैम्पल पेपर, डू दैट. एंड फॉर स्पेशली द शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर यू आर सपोज टू नो कि आपको उनको लिखना कैसे है, सो प्रैक्टिस दैट. सो आपके डे वन में आपकी दोनों एनसीईआरटीज कवर हो जाए. एंड अ लॉट ऑफ यू माइंड नॉट हैव इवन ओपन योर एनसीईआरटीज, आई एम सो श्योर. अभी इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक एक प्रोज या चैप्टर के गो थ्रू करें. सो आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑल द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन डाउन. गाइस, डे वन में आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया. अब डे टू में आपको कवर करना है आपके रीडिंग और राइटिंग स्किल्स. तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यू हैव टू क्रैम ऑल द फॉर्मैट्स, बट मेक श्योर आप इतना ध्यान ज्यादा ना दो फॉर्मैट्स पे, क्योंकि गाइस फॉर्मैट्स के लिए सिर्फ 4 मार्क्स हैं. बाकी आपको ये आना चाहिए कि आपको अंदर की बॉडी कैसे लिखनी है. सो दैट इज द मेजर पॉइंट जो आपको मार्क्स दिला सकता है. सेकेंड इज ट्राई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए और उसमें जो क्वेश्चन आए हैं राइटिंग स्किल्स के आप वो भी ट्राई कीजिए. एंड स्पेशली वेन यू कम डाउन टू सीबीएसई क्वेश्चन, वेन यू डू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप उसमें हमेशा टाइमर लगाएंगे कि आपको उस कॉम्प्रिहेंशन को करने में टाइम कितना लग रहा है. तो अकॉर्डिंगली आपको पता पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन जब आप पेपर देने जाएंगे, एक्चुअल सीबीएसई के एग्जाम देने जाएंगे, तो आप उसमें सबसे पहले आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है. अगर आपको रीडिंग सेक्शन में ज्यादा टाइम लग गया तो आप हमेशा इसी टेंशन में रहेंगे कि मेरा अब राइटिंग सेक्शन और मेरा लिटरेचर सेक्शन अभी भी बाकी है. सो मेक श्योर कि आप हमेशा कभी भी रीडिंग टाइम में इतना टाइम ना दे दें कि आपको फिर बैक ऑफ द माइंड हमेशा टेंशन रहेगा कि अभी भी मेरे 2 सेक्शन बाकी हैं, हाउ आई गोइंग टू कवर दैट. सो सीबीएसई क्वेश्चन या उसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते वक्त आप हमेशा टाइमर लगाइए, सो यू नो आपकी स्पीड क्या है. सो ऑन द डे टू यू आर गोइंग टू कवर विद योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द राइटिंग स्किल्स. गाइस, आई एम श्योर आपने डे वन में आपके दोनों एनसीईआरटी फ्लेमिंगो एंड स्टार्स कवर कर लिए होंगे एंड आपने डे टू में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड आपके राइटिंग स्किल्स कवर कर लिए होंगे. तो डे थ्री के लिए आपके पास सिर्फ एक काम बचता है कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स या आपके सैम्पल पेपर्स आप एक ही सेट में सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपकी स्पीड बनी रहे एंड आपको ये भी पता पड़े कि आपको एक्चुअली उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने कैसे हैं. एंड आप सेल्फ इवैल्यूएट करें आपको कितना टाइम लग रहा है, आपने आंसर्स के करेक्ट क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स लिखे हैं या नहीं, आपने उसमें वैल्यूएबल पॉइंट्स डाले हैं या नहीं. सो दिस इज हाउ यू कैन कवर योर एंटायर इंग्लिश सिलेबस इन जस्ट 3 डेज. कैसे, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड आई डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो ऑन द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू यूजुअली द स्टूडेंट्स डू ड्यूरिंग द एग्जाम. So stay tuned for that and meanwhile just best of luck for exam.